अच्छा ये बताइए भाई साहब, मैं खुद पीड़ित हूँ और उसके बाद और पीड़ित किया जाए, क्या यह न्याय उचित है? आप लोग भी पत्रकार हैं, है? क्या यह न्याय उचित है? आप ही लोग बता दीजिए। अच्छा ये कितना दिन पहले हनी ट्रैप का मामला आपके साथ? ये हमारे, मैं 28 जून को एसपी साहब के पास गया था और 27 जून को ये हुआ था। अगर मेरे मन में जरा सा चोर रहता या मैं गलत रहता तो क्या मैं कप्तान साहब के पास जाके अपनी बात बताता? इस चीज को कभी नहीं बताता। लेकिन इसके पीछे साजिश थी। ये विजय राजभर विधायक के साथ रहते हैं ये लोग, क्या नाम है, जैनिल यादव परमानेंट रहते हैं उनके साथ, और ये नीरज राही भरतलाल राही के लड़के, यही दोनों लोग उस सर्किल में उसको जो ये गलत प्रकार की महिला है जो यही सब धंधा करती है उसको मेरा नंबर देके मेरे ऊपर वीडियो कॉलिंग कराया, जिसकी डिटेल्स सर्विस लांस में निकल गई है। अब बहुत लोग को नोटिस जा चुकी है, इसके लिए सीओसीटी सदर को वो बनाया गया है, जांच अधिकारी बनाया गया है, जिसकी नोटिस गई है। और मैं अपने सीए को बोला हूँ मां नानी का दावा ठोकने के लिए, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, टॉप क्लास का, टॉप 10 में आता हूँ मैं अपने व्यापार, और मैं इसमें मानहानि का दावा पक्का श्योर करूंगा। इसमें आप बता रहे थे कि भाजपा नेताओं के अलावा कुछ पत्रकारों का भी आप बता रहे थे। कुछ ये पत्रकार जैसे देखिए मोबाइल ले लिए हैं और फेसबुक चला रहे हैं और वो भी पत्रकार बन गए हैं, तो वो तो कहीं बिल्ला तो लगा नहीं है कि कौन असली पत्रकार है कौन नकली पत्रकार है। जी ये जैनिल यादव हमको कई बार फोन किया है, उसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये भरतलाल लाही का जो लड़का है अक्सर ये गोला बाजार और हमारे कार्यकर्ताओं से कहता था कि राजीव जौहरी के खिलाफ मैं बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ, बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ। ये जून की बात है, जून में न जाके अभी ये 6 अक्टूबर को इन्होंने अपना बम फोड़ दिया, जिससे राजीव जौहरी को सदर विधानसभा का टिकट न मिले, ये चुनाव न लड़ पाए, शहर में इनकी इमेज खत्म हो जाए। इस प्रकार से इन्होंने साजिश करके मेरे साथ ये साजिश करके घटना घटी है। मेरे खिलाफ 20 दिन तक अपने वो 2 रुपया वाला अखबार जो कोई पढ़ता नहीं है उसमें रोज छापते थे कि राजीव जौहरी के यहाँ लोग सीओ और कोतवाल आते हैं, पहले नतमस्तक होते हैं बसपा सरकार में, तब जाके अपने ड्यूटी पे जाते हैं। राजीव जौहरी के यहाँ माफिया बैठते हैं। सरगना, क्या मैं एक व्यापारी हूँ, एक बनिया हूँ? आज तक आपने सुना है मैं किसी से गुंडाई किया हूँ या मारापीटी किया हूँ? रहा सवाल 2005 की दंगे की, भाई साहब यहीं पे हैं, देखिए इस मोहल्ले के भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, हैं अनिल जायसवाल जी हैं, चौहान जी हैं, सूरज चौहान जी हैं, यहाँ मुख्तार के अंसारी के जितने वो शूटर थे काला काला पहन के सब घेर लिए थे। गोपाल दुबे हमारे घर से ब्राह्मण थे, अगरबत्ती बेचते थे घूम घूम के, और हमारे घर पे आ, उनका सड़क पे घर था तो मेरे घर पे आ गए थे और चाय पी के कहे कि जाए हम अपना दरवाजा देखने, ठीक ठाक है, ऊपर से गोली मार दिया गया, मर गए। और मैं ऐसे ही चौकी था, उठा के मेरा लाइसेंसी बंदूक है, 153 गोली फायरिंग करके पूरे शहर के लोगों को बचाने का काम किया हूँ। केवल एक वो जो किराने वाला है, क्या नाम है, सुरेंद्र गुप्ता की दुकान में नहीं बचा पाया, चूंकि आगे था और वहीं वो LIC बिल्डिंग के वो मालिक है राजेंद्र खंडवाल, आज भी जाके देखिए उनके घरों में हजारों गोलियां चली हैं। हम लोग मतलब हजारों गोलियां चाइना की, 3 दिन तक पुलिस नहीं आई थी, चाइना की गोली बटोर, मेरी माँ को गोली लग गई भाई साहब, मेरी माँ को गोली लग गई जो और जगह से गोली निकल गई, लेकिन आज भी छर्रा एक यहाँ और एक यहाँ, मेरी माँ को 4th मंजिल पर लगी थी और आज भी है। उनको 25,000 का चेक भी मिला था जो घायलों को, और 2,00,000 रुपया मिला था गोपाल दुबे के लड़के को, और लोगों को जिसे छेद हो गया था पैर में गोली निकल गई थी, मैंने बचाने का काम किया था, नहीं तो एक भी बनिया और व्यापारी और इस रोड के जितने भी व्यापारी हैं किसी की दुकान बचती नहीं, सब खत्म हो जाता। मैंने हवाई फायरिंग करके उनको अंदर घुसने नहीं दिया। 153 गोली थी, 153 गोली 3 दिन तक पुलिस नहीं आई थी, मैंने चला के उसको बचाने का काम किया था। टारगेट क्यों किया गया जी? मैं देखिए यहाँ पे 1,25,000 बनिया वोटर है सदर विधानसभा में, ये आप पता कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा वोटर यहाँ वैश्य बनिया पिछड़ा है, 1,25,000 वोटर है, और मैं प्रमुख दावेदार हूँ यहाँ का विधानसभा सदर का। 1980 के बाद कभी भाजपा यहाँ से भाजपा का सदर से कोई विधायक नहीं चुना गया, इसलिए मैं उसमें लगा कि मैं
एक विधायक हो जाऊंगा तो एक मजबूती एक पावर हो जाएगा अपने लोगों की समस्या को मैं दूर। जब उनके साथ 24 घंटा रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है तो जाहिर सी बात है साजिश में वो शामिल हो सकते हैं, नहीं तो क्यों उनके साथ ऐसे व्यक्ति रहते हैं, एक विधायक है, माननीय है, इस तरीके से क्यों करेंगे जिन पत्रकारों। अरे उन विधायक जी की क्या बात करते हैं, चुनाव लड़ रहे थे वो कुछ नहीं थे, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। योगी जी का कार्यक्रम था कोपागंज में भाई साहब, और उसमें उपेंद्र शुक्ला भगवान को पधार गए, हमारे राजनीतिक गुरु थे, गोरखपुर के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि जौहरी जी आप पूरा मंच और ये कुर्सी की व्यवस्था करा दीजिए, सब पैसा लगा दीजिए, हिसाब दीजिएगा हम देंगे। मैं 5 लाख रुपया से ऊपर विजय राजभर के चुनाव में लगाया कोपागंज में, और मुझको जब पैसा लेना था तो दुर्ग विजय राय यही जिलाध्यक्ष थे उनसे पूछ लीजिएगा, और वहीं शुक्ला जी भी थे, कहे कि पैसा घट गया है जौहरी जी और आप मन को बड़ा करिए। हम कहिए ठीक है गुरु जी, मैं अपने मन को बड़ा कर ले रहा हूँ, 5 लाख रुपया से अगर विजय राजभर की जीत भी हो गई तो मुझे यही खुशी है। लेकिन वही विजय राजभर यही बगल में मेरा मकान बन रहा है, देख लीजिए 1 फुट आगे बढ़ के बनवा दिए हैं, और मेरे खिलाफ राम सिंह दरोगा को बोले कि तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, नहीं तो राजीव जौहरी को पकड़ के ताने में बंद कर। लेकिन मैं प्रदेश उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से जाके मिला और इन लोग को डांटे, तब जाके मामला सही हुआ। इधर रास्ता खोल रहे थे, बारजा निकाल रहे थे, सब बंद हो गया। देख लीजिए यही है बगल में अभी भी काम, देख लीजिए यहाँ कोई अतिक्रमण, आगे की जमीन हमारी है, लेकिन विजय राजभर सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ अपने पैड पर लिख के दिए हैं अपने नाम से, आज भी जाएंगे तो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ वो उनके नाम की वो डायरी मिलेगी कि राजीव जौहरी को प्रताड़ित किया जाए। अब ये बताइए इतना मेरे करने के बाद इनके चुनाव में दिन रात एक अपना गाड़ी घोड़ा अपना कार्यकर्ता अपना तेल पानी रात दिन एक कर मैं चलाऊं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता से, आज तक कोई एक दाग लगाने वाला नहीं है। आपसे कितने लोग पैसा मांगे? हमारे पास कुछ लोग का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, बिना नंबर के आया था। नेचर के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से पांडे ज़्यादा हमको टॉर्चर किए। फिर एक वो मैं नाम लिखा था भाई, फिर ये जैनील यादव तो हमको कई बार सबसे ज़्यादा शुरू से ही, ये जैनील यादव की यहाँ से ही पूरी कहानी से शुरू हुई है। नहीं तो जैनील यादव भाजपा में पहले युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, अध्यक्ष था, और अब नहीं है वो। वही उस महिला से कांटेक्ट उसी का था, उसी ने मेरे ऊपर फॉरवर्ड करा के बात कराया। जिस प्रकार से वो बात करता था, जौहरी जी मेरी चिंता करिए, ये है वो है, हम करिए रखिए भाई, हमको ये सब बात नहीं करनी है। फिर दोबारा एक दिन फोन किया कि अरे मेरा जन्मदिन है, हम आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं, और आपसे भी कुछ चिंता है हमारी करिए, सब कुछ ठीक करा देंगे, हम सब हटवा देंगे। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये भरत लाल राही का लड़का जो है, ये आए दिन गोला बाजार में सबसे कहता था कि ऐसा बम फोड़ूंगा कि राजीव जौहरी एकदम चित हो जाएंगे। कार्रवाई करा रहे हैं? बिल्कुल, ये जांच का विषय है, ये तो मैंने दे दिया, इसकी जांच चल रही है, सीओ साहब कर रहे हैं। कितने लोग पर लगभग कार्रवाई करवाएंगे आप? हमको जहाँ तक अंदाज है कि 7-8 लोग पे नोटिस गई है, उसकी जांच कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और बाकी सर्विस लांस में वो धनंजय कन्नौजिया जी हैं वो देख रहे हैं। लेकिन इस तरीके से एक साजिश करता है, ये तुच्छ राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना। 49 साल का उम्र हो गया, कोई दाग लगाने वाला नहीं है। मैं गरीबों की हमेशा मदद करने वाला, राहगीरों की मदद करने वाला, कोरोना काल में इतना मास्क बांटने वाला, सबको भोजन बंटवाने वाला, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर लांछन लगाता है तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं पत्रकार जान के नहीं किया हूँ, जो लोग मुझको फोन किए हैं आज, जो सर्विस लांस के जरिए नंबर मिला है, मैं उन्हीं के ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं दिया हूँ, वो जांच करके वो सर्विस लांस के जरिए जो नाम आया है उनके ऊपर एप्लीकेशन अनु